हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सनस्क्रीन क्या होते हैं, हमें सनस्क्रीन क्यों यूज़ करने चाहिए, किस तरीके का सनस्क्रीन आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगी। साथ में आप लोगों को इस लैक्मे सन एक्सपर्ट का रिव्यू भी शेयर करूँगी, तो बने रहेगा इस वीडियो में। और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सनस्क्रीन होता क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में समझाऊंगी सनस्क्रीन होता है क्या। सनस्क्रीन ये होता है जो हमारे सूरज से जो हार्मफुल रेज निकलती हैं, UVA एंड UVB, इस तरीके के हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। प्रीमेच्योर एजिंग, जैसे मैं आपको वो भी समझा दूँ, जैसे सनबर्न है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, या जो जैसे बोलते हैं झाइयाँ, दाग धब्बे, इस तरीके की प्रॉब्लम से हमें बचाव करता है। और तो आप समझिए सनस्क्रीन लोशन में कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप इसे अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो हो गया ये सनस्क्रीन लोशन होता क्या है। अब हम बात करेंगे सनस्क्रीन लोशन हमें किस तरीके का लगाना चाहिए, कि कौन सा SPF हमारे लिए बेस्ट है। तो जो अगर आप सनस्क्रीन लोशन लेने जाते हैं तो आप हमेशा ये चूज़ करें कि जो सनस्क्रीन लोशन आपका है उसका जो SPF है 15-50 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो बेस्ट है। मेरे ख्याल से, मैं आपको अगर प्रेफर करूँगा तो आप SPF 30-50 लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको सिंपल वो भी और भी अच्छे तरीके समझा देती हूँ कि कितना मार्जिन होता है। अगर आप SPF 30 लेते हैं तो 97% आपको UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। अगर आप SPF 50 यूज़ करते हो तो 98%, तो 1% का मार्जिन होता है सिर्फ। और इस तरीके का फर्क होता है, कुछ ही मार्जिन होता है। तो अगर आप SPF अगर आप सनस्क्रीन इस गर्मी में खरीदना चाहते हो तो आप इसके बीच में 30-50 के बीच में ले सकते हो। जी हाँ, और आपको यूज़ करने का तरीका भी बता दूँ, तो सनस्क्रीन यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सनस्क्रीन को 2-3 घंटे पे अप्लाई करें। जी हाँ, जनरस अमाउंट में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको ले लेना है, जितनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको इसे लेना है। आप इसे 2-3 घंटे पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया सनस्क्रीन क्या होते हैं, किस SPF का आपको लेना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आप लोगों के साथ लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 50 UVB PA++ UVA अल्ट्रा मैट लोशन लाइट एंड नॉन स्टिकी सनस्क्रीन लोशन का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये क्या क्या क्लेम करता है मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये है सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, आप भी दे सकते हैं। सनस्क्रीन लीव योर स्किन फीलिंग ऑयली एंड स्टिकी, आपको ये बताता है कि आपकी जो स्किन को, उसको लगाने के बाद आपको स्टिकीनेस फील नहीं होगी। बहुत ही लाइट वेट है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट पड़े हैं, साथ में ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। ये अगर आप एंड ये हाइपो एलर्जेनिक स्किन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है तो उनके लिए भी ये लैक्मे का सनस्क्रीन लोशन बहुत ही अच्छा है। तो बात हो गई इसकी खूबियों के बारे में, अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अंदर से दिखता कैसे है। जी, तो मैं आपको थोड़ा सा क्वांटिटी इसको निकाल के अपने हाथों पे आपको दिखा भी देती हूँ। जी, तो मैं आपको इसे लगा करके दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, ये स्किन में किस तरीके से अब्सॉर्ब कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्किन में ये इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है। ये बहुत ही लाइट वेटेड, इसे लगाने के बाद आपको स्टिकीनेस या बिल्कुल ऐसा नहीं लगा आपने बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप का लगा लिया, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा वैसे भी पसीना होता है, कुछ भी फेस पे लगाओ तो जैसे लगता है कि ऑयल लगा रखा हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ही लाइट वेटेड जैसे इस पर लिखाया है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी है और ये अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूँ, जिनकी स्किन ड्राई है उसको लगाने के बाद आपको ड्राइनेस फील हो सकती है फेस पे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये आपको फील पे, आपके स्किन पे इतना आपको ड्राई लुक दे सकता है। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप इस पहले मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब आपको बताती हूँ ये कवरेज कैसे देता है। तो ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन लोशन है, मैंने इसे यूज़ किया है और इसे लगाने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैं लगा कर निकलती हूँ या जब घर वापस आती हूँ तो मुझे बिल्कुल सही लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी स्किन कहीं से टैन हो गई, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं जाती हुई लगती हूँ बिल्कुल, मैं जब घर वापस आती हूँ तो बिल्कुल वैसे। तो दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से ये सनस्क्रीन लोशन बहुत ही अच्छा है, गर्मियों में तो बिल्कुल यूज़ करने लायक है। इसमें SPF 50 है, जैसे मैंने बताया SPF 50 बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। UVA एंड UVB रेज है इसमें, ये नॉन, और सबसे अच्छी बात है कि नॉन स्टिकी है यार, बहुत ही अच्छा। आपको लगाने बहुत ही लाइट वेटेड फील होगा, बिल्कुल भी ग्रीसीनेस फील नहीं होगी या स्टिकीनेस नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी आपके स्किन में ये
फैल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है गर्मियों के लिए अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। और गर्मियों में तो ज़्यादातर सबकी स्किन ऑयली ही हो जाती है, तो मेरे ख्याल से सबको यूज़ करना चाहिए। प्राइस की बात कर लेते हैं तो 270 रुपीज़ इसका प्राइस है, और क्वान्टिटी भी आप देख सकते हैं, क्वांटिटी आपको मिल रही है 50 ml। जी हाँ, 50 ml आपको 270 रुपीज़ का मिल रहा है, और सबसे खास बात इतना बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड है। जी हाँ, लैक्मे का आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा सनस्क्रीन लोशन है, आपको यूज़ करना चाहिए, और बजट में भी है, 200-250 रुपये में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही, क्वांटिटी मिल रही है। तो आप इसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपको फ्लिपकार्ट पे या अदर साइट पे भी अवेलेबल है आई होप, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस मेरा यही रिव्यू था, और मैं आपको जैसे कवरेज की बता दूं तो 2 से 3 घंटे पे आपको वैसे भी सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ तो ये मुझे मैक्सिमम कवरेज देगा कि नहीं, है मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं। बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करेगा, बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। जी हाँ, क्योंकि लैक्मे है, ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो बिल्कुल आपको इसको खरीदना चाहिए, सनस्क्रीन लोशन आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए, नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रिव्यू और मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मैं मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।